हाँ तो स्टूडेंट आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फंडामेंटल कोर्सेज आपने कर ली, बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनको ध्यान से करना। नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बी, नीड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, क्या है नीड ऑफ मेजरमेंट? हमें मेजरमेंट की जरूरत क्या है, क्यों? देखो क्या होती है फिजिक्स, इन फिजिक्स वी लर्न अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या है फिजिक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मार्कर है, मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा, क्लियर? ये एक नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप हो रहा है, तो इसको कह नहीं रहा गिरने के लिए, बस छोड़ दे, क्या होगा नीचे गिर जाएगा। तो अब जब ये नीचे गिर रहा है तो देखो कितनी चीजें हैं भाई, इसका मास है, क्या है इसका मास? अब मास आप समझते हैं, क्या जो नीचे गिरने में टाइम लगेगा, समझ में आया कि यार छोड़ने वाले नीचे गिरेगा, नीचे गिरने में कितना सेकंड लगता है, एक बार उसको मेजर करेंगे कि नहीं करेंगे? फिजिकल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, तो नीचे गिर रहा है तो टाइम लग रहा है, तो टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा इसका मास। ठीक है, मास कितना है, उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, वो मेजर करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये जो नीचे जा रहा है इसकी स्पीड कितनी है ना, नेचुरल फिनोमेना हमने फिजिक्स पढ़नी है, जिसको पढ़ना है इसकी स्पीड कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, बात समझ में आएगी, मेजर करनी पड़ेगी। क्या इसकी स्पीड में वेलोसिटी में चेंज आ रहा कुछ, इसको भी हमें मेजर करना पड़ेगा, क्लियर है? तो कोई भी आपका नेचुरल फिनोमेना उसके थ्रू ये सारी चीजें हमें मेजर करने की जरूरत है। अब आप अपनी डेली लाइफ में आ जाओ, हम हर एक चीजें मेजर करके तो यूज करते हैं, नहीं कहते हर एक चीज क्या करके यूज करते हैं, मेजर करते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सुबह सुबह दूध वाला आता है, आप कहीं से दूध लेके आते हो, मेजर करके लेते हो या वैसे ही बाल्टी में डाल देता ले भाई इधर, मेजर करके लेते हो, क्लियर है? आप सूप से दोस्तों के पास जाते हो तो कोई भी सामान लेके आओ, या तो उसको पूरी के देगा मेजर ही कर रहा है, या गिन के देगा आपको, क्लियर है? आप अपने सभी के घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, वो मेजर करके ही तो करते हैं, उसका हर मंथ हम पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके पास समझ में आएगी। तो सारी चीजें जो आप डेली लाइफ में करते हो सब में मेजरमेंट की क्या है, जरूरत है, क्लियर? तो ये तो हो गया नीड ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो मेजरमेंट इज नेसेसरी, एसेंशियल, एसेंशियल। नेक्स्ट जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, आप जितनी भी साइंस पढ़ोगे केमिस्ट्री फिजिक्स उसमें बार बार बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, इनका मीनिंग क्या है, इसलिए फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपको नहीं बताया जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यहाँ देख लो क्या होती है, एक बार ऑल द क्वांटिटीज, वो सभी क्वांटिटी राशियां इन टर्म ऑफ विच, जिनकी टर्म में द लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, फिजिक्स के जो लॉ है वो क्या किए जाए, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मीनिंग को बताया जाए, वर्णन किया जाए, बोल के बताया जाए, समझाया जाए, एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी, और जिनका मेजरमेंट क्या है, नेसेसरी, जरूरी है, उन सभी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। देखो अभी आपके ध्यान नहीं आ रहा इसका क्या मतलब, मैंने कितनी चीजों का जिक्र किया आपको, मार्कर नीचे गिर रहा है, नेचुरल प्रोसेस है भाई, कितना टाइम लगेगा, कितना इसका मास है ना, टाइम, कितना इसका मास है, दूसरा कितनी इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, तीसरा कितना इसका एक्सेलरेशन है, क्लियर है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है नहीं हो रही, तो ये सभी चीजें, टाइम हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सभी चीजें, ये जो फिजिकल नेचुरल प्रोसेस है इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने लेनी पड़ती है, लेनी पड़ेगी, और इनको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, व्हिच मेजरमेंट इज नेसेसरी,
मापना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, ध्यान से समझ लो क्या है सारी फिजिकल क्वांटिटीज, कैसे बिकनी है। नहीं जी ये तो हमारी टॉपिक के साथ इतनी रिलेटेड थी, और कुछ टॉपिक होगा उसके साथ और रिलेटेड हो जाएंगे। ये फिजिक्स के लॉ है ना जी, फिजिक्स के लॉ है। फिजिक्स का आपने सेकंड लॉ पढ़ा, न्यूटन का, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ क्या है ना, इसमें क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, या पढ़ क्या है फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये फिजिक्स का लॉ है ना। कैसे आपने इसको डिफाइन किया, फोर्स की हेल्प से, मास की हेल्प से और एक्सेलरेशन की हेल्प से। तो ये जो तीनों चीजें हैं जिनकी हेल्प से आपने क्या किया है, जिनकी हेल्प से आपने द लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, द लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, ये तीनों चीजें। और किसी पार्टिकुलर बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, उसका मास देखें, उसका एक्सेलरेशन मेजर करेंगे, ये सारी चीजें। तो डिस्क्राइब एंड मेजरमेंट इज नेसेसरी। तो फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। आपके बात समझ में आई, यानी साइंस पढ़ते हुए, फिजिक्स पढ़ते हुए जितने भी ये चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं पढ़ने, वो सारी क्या है, फिजिकल मेजरमेंट का प्रोसेस क्या है, कैसे आप मेजर करते हैं। पर मान लिया मेरे पास एक ये रोड है, क्या मेरे पास एक आयरन रोड है, मैंने इसकी लेंथ मेजर कर ली, क्या मेजर करना है इसकी लेंथ, कैसे करोगे सर इसको, ऐसे करेंगे हम कि जो लेंथ की यूनिट है हर एक चीज को क्या यूनिट है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट अलोट है, इसके अंदर उसको हम मेजर करने वाले हैं। तो लेंथ की यूनिट आपको पता है क्या होती है, मीटर, क्या होती है लेंथ की यूनिट, मीटर। तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके आएंगे, मान लिया ये एक मीटर है, और इसके साथ क्या करेंगे, ऐसे कंपेयर, क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ले ली, लेंथ की क्या है मीटर होती है, तो एक मीटर ले आगे इसके साथ क्या करेंगे कंपेयर। जैसे देखो मैं एक मीटर इतना बड़ा है, उसका एक सिरा यहाँ लगा लो, क्या लगा लो यहाँ से कितना हो गया 1 मीटर, फिर भाई फिर मैं इस मीटर को यहाँ से 2 मीटर और ये इतना 3 मीटर। आपके बात समझ में आई, क्या मेजर कर रहे हो, लेंथ, लेंथ क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्यों लिख दिया मैंने फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और ये कितनी हुई, देखो भाई 1 मीटर में यहाँ देखो भाई यहाँ तक यहाँ तक कितना हो गया 3, this is equal to 3 feet, clear। आपने क्या किया है सर, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लिए 1 मीटर की, और उसको जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ क्या कर लिया, कंपेयर, क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, क्लियर है, यहां तक एक हो गया, कंपेयर ही तो कर रही है। तो मेजरिंग प्रोसेस इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, आप क्या करोगे इसको कंपेयर करोगे, इसके साथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है, जो भी क्वांटिटी आपको दी गई है एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके हम उसके साथ क्या करेंगे कंपेयर। यही तो होता है मेजरिंग। मैं आपको एक दूध की बाल्टी भर के दे दूं, आप इसको मेजर करो कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप 1 मीटर का स्केल लेके आओगे ना मेजर करने में, नहीं, क्यों भाई नहीं, क्योंकि जीव तो लेंथ की यूनिट होती है ना, हम जो स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं उस यूनिट का नेचर वही होना चाहिए जो नेचर आपकी क्वांटिटी का है जिसको आप मेजर करना चाहें, मेरी बात समझे कि नहीं। तो लेंथ इज द मिनिमम, आपको क्या लेंगे हम
किलोग्राम या 1 लीटर का जो आपका दूध मेजर करने का माप होता है एक्चुअल में वो हो गया, ठीक है। तो मैंने बाल्टी भर के देखिए आप क्या करोगे सर, वो 1 लीटर का डब्बा जो है माप का वो ले हो गया, क्या करोगे उसके अंदर से भर के निकालोगे, एक दो, क्या कर रहे हो आप कंपेयर ही तो कर रहे हो, आपने स्टैंडर्ड यूनिट ले ली और उसके साथ क्या कर रहे हैं, सारी चीजें ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट इज बेसिकली इन प्रोसेस ऑफ द कंपेरिजन, क्या करते हैं पहले तो एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, स्टैंडर्ड क्यों इस चीज को भी समझो ना भाई, लेंथ की एक यूनिट थोड़ा ही मीटर है भाई, लेंथ की तो मिलीमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है ना भाई, मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, क्लियर है, और भी पता नहीं कितनी होती है। तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट हम चूज करते हैं आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, सुटेबल साइज वगैरह देख के, तो वो आपकी बेसिक यूनिट होती है या फिर स्टैंडर्ड यूनिट होती है या फिर आपको उसको ऐसा ही होती है। चलो ये क्यों क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी, एम क्या है नंबर, और ये एम क्या है ये यूनिट, ठीक है, क्या ये यूनिट और कौन सी यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट जो आपने ली है यहाँ पर कितनी है मीटर, ठीक। तो फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम सीधा ये जनरल फार्मूला, दिस इज NU, क्लियर भाई, क्या दिस इज NU, क्या इज द फिजिकल क्वांटिटी, N क्या है, N नंबर कुछ भी हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, N क्या है नंबर, U क्या है यूनिट, U क्या है, अच्छा एक बात बताओ अगर मैं इस यूनिट को चेंज कर दूं, इसका चेंज कर दूं साइज ऑफ यूनिट तो नंबर भी तो चेंज हो जाएगा, क्लियर है। मान ली इसी का एग्जांपल ले, इसी का एग्जांपल ले भाई, मैं कहता हूं कि मैंने मीटर नहीं ली, मैंने सेंटीमीटर ले ली, कितने ले ली मैंने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और तो 3 मीटर में कितने हो गए, क्या इज इक्वल टू दिस इज 300 सेंटीमीटर, की बात समझ में आई कि भाई हमने पहले लिख रखा था क्यों इज इक्वल टू 3 मीटर, क्या किया मैंने इस यूनिट को चेंज कर दिया, मीटर की जगह क्या ले लिया सेंटीमीटर, तो स्मॉल यूनिट है तो नंबर भी बढ़ गया, 3 की जगह कितना हो गया 300 हो गया। तो ये बेसिक फार्मूला क्यों हुआ, वैसे लिख सकते हो इसमें n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू n3u3, देखो यूनिट अलग होगी तो नंबर भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बात समझ आएगी, बड़ा सिंपल है, यूनिट बड़ी लोगे तो नंबर क्या आएगा छोटा आएगा, क्लियर है, और आप यूनिट छोटी लोगे नंबर क्या आएगा बड़ा, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत इजी है, इसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है भाई, जैसे आप यूनिट का साइज चेंज करोगे तो नंबर भी क्या आएगा चेंज, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट और इस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी कांसेप्ट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम, इजी सा टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ लेंथ, तीन चीजें आपने पढ़नी है लेंथ मास और टाइम भाई, लेंथ की यूनिट आपको पता है कितनी होती है मीटर, हां मास की क्या होती है बोलो केजी, और टाइम की क्या होती है सेकंड, है ना। तो पर से वैसे लेंथ होती क्या है, अब कोई आपसे कहे कि है ना जी इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, इस बोर्ड की लेंथ कितनी, क्लियर है, तो आप उसको एक क्या समझाओगे मोटा मोटी, मैं कहूंगा यार मेरे को समझ में नहीं आता कुछ, कि भाई मेरे को बता इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर है ना इस बोर्ड की लेंथ इस बोर्ड के इस एंड से, इस एंड से और कौन से एंड के बीच, इस एंड के, तो बात समझ आ रहा है, इन दोनों एंड के बीच में जो ये सेपरेशन है जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे इसकी लेंथ, ये तो होता है। अच्छा आप ये बताओ इस एंड को हम बोलेंगे क्या, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट, आप पढ़ते हो ना इंग्लिश में पढ़ते हो वैसे भी जर्नल पता है इसलिए, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है
बिल्कुल बॉल वाला है ना, इस मार्कर का नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो कौन सा हुआ, ये हुआ जी अरे इधर है ये हुआ है। अब कोई ये कहेंगे मार्कर के लेंथ कितने, आप बोलोगे कि सर इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच की जो ये लेंथ है, जो ये डिस्टेंस है, ये क्या मार्कर की लेंथ है, तो बोर्ड की लेंथ क्या होगी सर, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये क्या है इसकी, तो क्या हुआ कांसेप्ट ऑफ लेंथ, द लेंथ इज द डिस्टेंस, the length of any object, जिसके पूछ रहा है, is the distance between two extreme point, उसके जो दो extreme point हैं, उनके बीच की जो length है, उसको आप क्या बोलते हो, उसके बीच की जो distance है, उसको क्या बोलते हैं, length, unit क्या है इसकी, feet, अब बात करते हैं mass की, concept of mass, mass एक दिन मैंने आपको बताया था, first वाली class में बता दिया था, mass क्या होता है भाई, मास किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना, कितना मैटर यूज हुआ उस बॉडी को बनाने के लिए, वो क्या उसका मास, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर बाय व्हिच बॉडी इज कंपोज्ड, जिससे मिलके बॉडी बनी हुई है उसमें कितना मटेरियल लगा हुआ है, कितना मैटर लगा हुआ है, उस क्वांटिटी को हाउ मच, दिस इज द मास, क्लियर है, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर में कितना ये प्लास्टिक लगा हुआ है जिससे मिलके ये बना है, वो क्या है इसका मास, जैसे चेयर है, अब चेयर में जितना प्लास्टिक लगा हुआ है कितना, वो क्या उसका मास, हमें पता है कि मार्कर से ज्यादा प्लास्टिक इसमें लगा है चेयर में, चेयर का मास क्या है ज्यादा, जिसमें जितना मटेरियल लगा है वो क्या उसका मास, और मास की यूनिट क्या है किलोग्राम टन, टाइम क्या होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ईजी है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है टाइम क्या होता है ना, ठीक है मास क्या होता है, टाइम हाँ यही तो बात है, टाइम का ही होता है, सब फैमिलियर है टाइम के साथ, बच्चा बच्चा फैमिलियर है, लेकिन इसे पूछा अरे टाइम होता क्या है, बताओ क्या बताया, बताओ आप बताओ क्या होता है टाइम, क्या होता है सुनो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ये कहता है कि टाइम इज दैट ए क्लॉक रीड, टाइम वो है जिसको एक घड़ी क्या करती है, रीड करती है, पढ़ती है, बताती है आपको, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, और टाइम का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम को ठीक, अब तो मेजर करने के लिए आपके पास वॉच है, ठीक है, स्टॉप वॉच वगैरह है, आप माइक्रो नैनो सेकंड तक हुआ है उसको रीड करते हो, ठीक है, जब ये नहीं थी तो भी टाइम तो आपका मेजर हो ही रहा था, ठीक है, अब टाइम को मेजर करना एक घड़ी थोड़ी करती है, भाई एक बात बताओ, एक दिन है ये भी तो एक टाइम का मेजरमेंट है, आज सुबह हुई है, आज सैटरडे है, सुबह हुई है, सन जब आपका राइज हुआ तो सुबह हुई है, अब कल फिर होगा संडे को, तो ये टाइम को ही तो मेजर हुआ कि आज सुबह दिन निकला कल दिन निकलेगा, इसके बीच में कितना टाइम हो गया, वन डे, बात समझ आ रही है, टाइम की यूनिट है ना एक दिन भी, अब देखो जैसे हम लेंथ की बता रहे उसी तरह टाइम की बहुत सारी यूनिट है, सेकंड है, मिनट है, आवर्स है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, सेंचुरी है, ठीक है, बहुत सारी यूनिट है टाइम की, सारी टाइम की यूनिट है, ठीक है, एक महीना ये भी टाइम की यूनिट है, एक सप्ताह टाइम की यूनिट है, एक साल एक सेंचुरी सभी टाइम की, ठीक है, तो टाइम की जो फिर वही बात स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो है दी सेकंड, क्या है, आप कहोगे सर ये स्टैंडर्ड बड़ी अजीब है, आप तो बता रहे थे ये है, लेकिन ये क्यों है और क्यों नहीं लेते हम भाई, लेंथ की मीटर ले लिया आपने, किलोमीटर क्यों नहीं स्टैंडर्ड यूनिट, मास की किलोग्राम ही दी है ना, आप ग्राम ले लेते क्या फर्क पड़ जाता, सेकंड सेकंड क्यों लिया, मिनट ले लेते या घंटा ले, इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है, वो आपको कल वाले लेक्चर में हम बता देंगे क्या रीजन है, हाँ, तो टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, क्लियर, अब मैं आपसे कहूँ भाई एक सेकंड कितना होता है, ठीक है, एक सेकंड कितना होगा, अब आप जैसे मैंने एक दिन का सन निकला है करने के लिए उसके बीच कितना है वन डेज, ये तो सबके समझ में आता है, अब किसी के मान लिया सेकंड समझ में नहीं आ रहा, तो जरा टाइम पीरियड क्या मिलता है, तो सेकंड, अब ये सेकंड क्या होता है,
तो हम उसको क्या बताएंगे? दिन तो सर के समय में आएगा भाई, आज सन निकला है कल निकलेगा, ये क्या है? वन सोलर डे बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आप एक बात, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? और अगर मैं 24 घंटे की मैं मिनट बनाना चाहूं, क्या बनाना चाहूं? मिनट। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर से कितना होता है? 60 मिनट। तो क्या करते हैं इनटू में 60, ठीक है। क्या आ गया ये मिनट? कितनी बन गई? मल्टीप्लाई करो 6 4 24 2 12 2, कितनी मिनट है? क्लियर? अगर मैं सेकंड बनाना चाहूं इनके, तो क्या करूं? 60 से फिर मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये हो गया जी इनटू में 60 हो गया, क्लियर? ये हो गया 24 और 24 दो 26 और 8 एक और इतने, यानी 1 डे 1 सोलर डे इज इक्वल टू इतना सेकंड। एक दिन में कितने सेकंड है? 86,400, क्लियर? तो मैं ये कह दूं कि आप देखो इस सेकंड को यहीं रखो, इस 86,400 को कहां लिया हो डिवाइड, तो क्या है 1 डे डिवाइड बाई इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो एक सेकंड कितना हुआ? एक सोलर डे का कितनेवा पार्ट है? 86,400 वा पार्ट, है ना? हम उसको क्या कहें भाई? एक दिन का कितनेवा हिस्सा? 86,400 वा हिस्सा कितना है? 1 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका साइन हो गया आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट मंडे।